महाशिवरात्रि पावन पर्व श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 1000 परिवारों ने करावामां आवी पार्थेश्वर महापूजा। महाशिवरात्रि पावन पर्वे सोमनाथ ना समुद्र किनारे श्री सोमनाथ ट्रस्ट हजारों भक्तों ने करावशे पार्थेश्वर शिवलिंग नु महापूजन। रत्नाकर समुद्र ना तट पर पार्थेश्वर शिवलिंग नी महापूजा भक्तों ने शिवत्व नो करावायो अनुभव। भक्तों ने पार्थिव शिवलिंग इको फ्रेंडली अभिगम साथे पूजा सामग्री उपलब्ध करावामां आवी हती। महाशिवरात्रि एटले भोळानाथना भक्तों माटे वर्षोनो सौथी मोटो महोत्सव। महाशिवरात्रिना पावन पर्व पर शिव भक्तोए महादेवनी अनेकविध प्रकारे आराधना करता होय छे अने तेमां पण विशेष रूपे ज्योतिर्लिंग क्षेत्रमां शिव पूजननुं शास्त्रमां पण अनेरुं महात्म्य वर्णवामां आव्युं छे। त्यारे महाशिवरात्रि पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा हजारों श्रद्धालुओं ने पंच महाभूतनी अनुभूति करावती शिवजीना सौथी पवित्र स्वरूप पार्थिवेश्वर शिवलिंग पूजा करावामां आवी छे। अहेवाल भरतसिंह जाधव। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा समुद्र किनारे मारुति बीच पर पार्थिव पूजन का आयोजन किया गया था। 1000 से ज्यादा परिवार ये पूजा में आज जुड़े थे और पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा शास्त्रोक्त विधि से सोमनाथ के पुजारी गण द्वारा और इस पूजा में सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के ऋषि कुमारों भी जुड़े थे और 1000 से ज़्यादा परिवार ने ये पार्थेश्वर पूजन का आज लाभ लिया है। पार्थिवेश्वर पूजन खास करके समुद्र के किनारे पे पार्थेश्वर पूजन करने का अनेरा महात्म्य है। खास करके ये पूजा को इको फ्रेंडली पूजा पूजा का पूरा द्रव्य और पूजा की जो डिश वगैरह थी वो भी इको फ्रेंडली यूज़ किया गया था। सबको इसका मैसेज मिले, प्रकृति का पूजन भी कहे इस पार्थेश्वर पूजन को, और सभी भक्तों ने ये आयोजन में सहकार दिया है और ट्रस्ट के और पंडितों की सूचना अनुसार पूरा प्रकृति का शास्त्रोक्त